नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर चित्रकूट से। थाना प्रभारी बरगर का कार्य रहा सराहनीय। सुरक्षा की दृष्टि से पैदल गश्त करते हुए लोगों को किया जागरूक। जी हां, पूरा मामला उत्तर प्रदेश चित्रकूट जिले के कस्बा बरगर का मामला है। थाना प्रभारी बरगर सुरक्षा की दृष्टि से पैदल गश्त करते हुए अपनी फोर्स के साथ निकले, लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया। बहुत थाना प्रभारी आए, लेकिन योगेश तिवारी जैसे थाना प्रभारी बरगर में अभी तक नहीं आए हैं। इसके साथ ही उनके आते ही अपराधी और भूमाफिया में एक दहशत का माहौल रहता है। जैसा कि सरकार की नीति है, अपराध जीरो होना चाहिए, इसमें थाना प्रभारी बरगर खरा उतर रहे हैं। जब से थाना प्रभारी बरगर आए हुए हैं, अपने सरल स्वभाव से बरगरवासियों का दिल जीत लिए हैं। बरगरवासी हमेशा उनकी प्रशंसा करते नजर आते हैं, क्षेत्र में भी उनकी प्रशंसा होती है। अब हम आपको लेकर चलते हैं कस्बा बरगर, यहाँ तक कि मिलावटी शराब भी चेक किया गया है। उन्होंने सेल्समैन को हिदायत दिया है और कहा है नाबालिग को शराब ना दें। कितना अच्छा सोच है। थाना प्रभारी बरगर का प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। बने रहे प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार दोस्तों, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस समय बरगर में जब से थाना प्रभारी बरगर आए हुए हैं, काफी जो है अपराध में रोकथाम और रोक लगी हुई है, और पहले भी बहुत था लेकिन किसी ने ऐसे कार्य नहीं किया जैसा कि इस समय इंस्पेक्टर महोदय थाना प्रभारी बरगर कर रहे हैं। कहीं भी तीन सवारी देखते हैं तो वो तुरंत रोक कर उसको चेक करते हैं, जैसा कि कहना हेलमेट लगाइए। बार बार वो जनता को जागरूक भी करवा रहे हैं कि हेलमेट लगाइए, जिससे आपके सर पे चोट न लग सके, आपका जीवन लंबा हो। लेकिन लोग हैं कि नहीं मानते। ऐसे में थाना प्रभारी बरगर सड़क पर खुद उतरे हैं अपने हमले के साथ, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और संदेश कर रहे हैं कि हेलमेट लगाइए। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पूरा पुलिस फोर्स मौजूद है थाना प्रभारी बरगर महोदय अपने फोर्स के साथ। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।